हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल केम छो कसे काय के मनाचो राम राम जी दो वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग ब्लॉग। आज फाइनली हम लोग जाने वाले हैं गोवा, और जैसे कि तुम लोगों को थोड़ा सा पता ही होगा, हम लोगों ने लाइव स्ट्रीम पे बता दिया था, मैंने ही लाइव स्ट्रीम पे थोड़ा सा बता दिया था कि हम जाने वाले हैं। एंड कल का दिन मैंने लाइव स्ट्रीम इस वजह से नहीं किया था क्योंकि मैं चला गया था शॉपिंग करने के लिए गोवा की, और बहुत मज़ा आने वाला है ये वाला ट्रिप। क्राफ्टन की वजह से हम लोग ये जा पा रहे हैं गोवा, और क्राफ्टन ने ये पूरा ट्रिप हम लोगों के लिए प्लान आउट एंड सब कुछ कराया, उनकी तरफ से है। सो ये सारे के सारे अपने बहुत सारे लोग जितने भी हैं क्राफ्टन BGMI वाले बहुत सारे क्रिएटर्स होंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। सो अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं, हमारी कुछ फ्लाइट 11:30 बजे की है, मेरी टर्मिनल 1 से मेरी और वाइपर की, बाकी सब लोगों की टर्मिनल 2 से, विस्तारा हमारी हम दोनों की इंडिगो है, लेकिन साथ में यहाँ से निकलेंगे मैं मॉर्टल और सिड भाई, लेकिन फिर उसके बाद हम लोग के टर्मिनल अलग हो जाएंगे। लेकिन इन दी एंड मिलना गोवा में स्टार्ट ऑफ समथिंग वेरी वेरी ग्रेट फॉर द नेक्स्ट 3 डेज, बहुत मज़ा आने वाला है। एंड बहुत सारी प्यारी प्यारी चीज़ें होंगी, रील सब कुछ सोच रखा है ताकि तुम लोगों के लिए सब कुछ आए, बहुत मज़ा आएगा। स्टार्ट करते हैं, उठाते हैं इन लोगों को, वो लोग तो सो गए, मैं भी लेटा था, नींद नहीं आई यार। चलो गुड मॉर्निंग, जल्दी से तैयार हो जाए, ओनली 40 मिनट्स टू गो। आपके अलार्म से पहले आया हूँ, जल्दी उठ जाए, हम लोग निकलेंगे 8:00। उठा दिया है, हम तीनों ही जा रहे हैं गेमिंग हाउस से, वहां से जोकर स्नैक्स वाइपर पायल मवी सब बहुत बहुत दूर से जुड़ने वाले हैं, लेकिन एक ही जगह जुड़ेंगे। कुछ भी हो जाए लेकिन सुबह बिना खाए नहीं निकलना चाहिए, इसलिए हमारा ब्रेड अंडा एंड चाय इज रेडी। इसको खाने के बाद मैं अपना बैग सेट करूंगा, चार्जर एंड ऑल, जो कि बहुत जरूरी है, तो जल्दी से खाते हैं एंड फिर फाइनली निकलते हैं। सुरूर से जाएंगे क्यूटी सुरूर। आर यू एक्साइटेड और यू आर नॉट एक्साइटेड और यू आर वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर द इवेंट और फॉर द गोवा? फॉर गोवा एंड इवेंट बीच में हो जाएगा। आपको लगता है हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलर्स करेंगे इवेंट के अलावा? Yeah, model boy, are you excited for Goa? Not very excited. Why? I hope अच्छा हो। Event. आप गोवा के लिए excited है, event के लिए excited है? Event. Extra curriculars होंगे आपको लगता है? भाई ये चीज लोनावला में भी कर सकते थे ना। ये देखो कम travel करना है लड़के को, बैठना है बस, मैं घर से बैठ जाऊँ वहाँ पर कुछ ना करना पड़े। तो सेठ भाई मेरे पास आपके लिए एक छोटू सा सवाल है। जी ज्यादा दिक्कत वाला सवाल नहीं होगा, you'll have to just आपको मेमोरी लेन में अपने जाना होगा। तो आपकी पहली ट्रिप लाइफ की कौन सी थी, मतलब उसमें वो नानी का घर दादी का घर वो सब नहीं, ट्रिप? आई थिंक बचपन में काफी की है, बट जो मेरे को याद आती है वो फर्स्ट टाइम मैं अपने दादा दादी के साथ बैंकॉक मलेशिया घूमने गया था। मैं दादा वाज अ वेरी बिग शॉट, ही यूज्ड टू वर्क इन IBM, वेरी बिग पोजीशन। अच्छा, तो वो घूमने चले जाते थे और मेरे को, मैं 8-10 साल का ही था, बट मेरे को मम्मी डैडी के साथ जाना ही है, ऐसा कुछ ऐसा ये नहीं था, मिस नहीं करता। अच्छा, तो अकेला ही चला गया था मैं, और वो ट्रिप मेरे को अभी भी मतलब प्रॉपर याद आता है, द थिंग्स आई डिड इन दैट ट्रिप। येल्लो कलर के कीड़े वहाँ पे मिलते हैं बैंकॉक में, उसको मेरे को मारने का बहुत शौक था। बटरफ्लाई गार्डन जहाँ से मैं चीजें लेके आया था, और टेम्पल्स में वहाँ के जाना, मतलब अभी भी मेरे को पूरा का पूरा ट्रिप आई स्टिल रिमेम्बर। दादा ने वहाँ पे अपार्टमेंट लिया था, इट वॉज नॉट अ होटल, अपार्टमेंट में रहते थे हम लोग, इट वॉज अ फन ट्रिप। और आपकी पहली कोई, आपने अपनी कोई लाइफ में ऐसी ट्रिप मारी है जो घर पे बिना बताए आप गए हो? बिना बताए गए हो नहीं, घर पे वो कभी हुआ नहीं, क्योंकि यार देखो 17-18 के बाद तो मैं UK चला गया था। हाँ। उसके पहले अकेला ऐसा कोई मेरे को ज्यादा शौक तो था नहीं। और UK से आप बिना बताए कहीं कट लिए? UK में तो बहुत मस्तियाँ की है मैंने, मतलब मैंने बहुत मस्तियाँ की। सिर्फ भाई अय्याशी फुल अपने कर लिए, कर चुके हैं अभी, नाउ इज टाइम टू सेटल डाउन, यू नो। हां या या, नाउ इज टाइम टू सेटल डाउन, या या, सेटलिंग डाउन। नम माथुर जी, यस नम माथुर जी, आपने अपने कभी लाइफ में छुपा के ट्रिप मारी है? नहीं यार, पनवेल, पनवेल मतलब वो सबसे लंबा सैटरडे था, तो मैंने घर पे बोला कि एक्स्ट्रा क्लास, हाँ वो था जनरल मैथ्स का एक्स्ट्रा क्लास है, ऐसा करके बोला था, और निकल गए थे हम लोग तीन लोग ट्रिप सी पनवेल में। आते आते मैं पूरा
पनवेल है क्या? आज तक नहीं गया मैं। क्या बोल रहे हो? खारघर के आगे तो है। तो लोग पनवेल क्या करने जाते हैं? कुछ नहीं, मेरे दोस्त है, मेरे दोस्त थे। अरे वो डायलॉग था उसका, वसूली भाई का। लेकिन वो और वो डायलॉग के बारे में तेरे को मालूम है? वसूली भाई ने अपने इंटरव्यू में बोला था कि मतलब उसका एक्चुअल नेम नहीं मालूम मुझे, वो इम्प्रोम्प्टू डायलॉग था, उसको एक्चुअली जाने का था और लेट कर रहे थे और उसने बोला जल्दी कर कल सुबह पनवेल निकलना है, ऐसा करके ले लिया उन्होंने। अच्छा हाँ। वो भाई भाई वो लाइफ टाइम का मीम बन गया है भाई। तो आपने जो बंक मारा था, फिर आप बंक नहीं मारा था? अच्छा। बना दिया था कि है, और हम लोग वहाँ गए दोस्त के घर पे, नाश्ता वास्ता किया, सब कुछ हो गया, फिर निकल गए वहाँ से। दो बार कॉप्स ने पकड़ा हम लोग को रास्ते में, ट्रिपल सीट जा रहे थे करके। फिर उन्होंने देखा मेरे लोग का तो मुझ भी नहीं आया। हम बच्चे थे वो तो बात अलग है, किसी ने तो आके छुड़वा दिया हम लोग को, मेरे दोस्त के दोस्त ने ऐसा ऐसा करके। फिर उसके बाद मेरे घर गया मैं, तो अजय अंकल बैठे हैं, मम्मी बैठी है वहाँ, तो मैं घुसा नॉर्मली। पूछा मुझसे कहाँ गए थे, बोला क्लास था ऐसा ऐसा करके। अजय अंकल ने बोला चलो स्कूल जाना, ऐसा बोला। और वो अपना बाइक निकाल रहे थे। क्या कॉल आ गया था स्कूल से? अरे रुक जा, वो अपना बाइक निकाल रहे थे। ठीक है, फिर जब वो बाइक निकाल रहे थे अपना, तो मैंने बोला अंकल रुको मैं बताता हूँ कुछ, ऐसा बोल दिया मैंने। तो पिटे तो उससे पहले मैं बता दूं। हाँ, मैंने बोला कि क्लास कैंसिल हो गया था और हम लोग अपने बास्केटबॉल कोर्ट पे बैठे थे। तो अंकल ने बोला अच्छा चलो। फिर उन्होंने ऐसा बोला, तो मैंने बोला अंकल नहीं, हम लोग फिर उधर तो हम गिव अप कर दिया कि खत्म हो चुका है अब। ये वाला अगर झूठ पकड़ लिया तो खत्म हो चुका है। मैंने बोला अंकल वो पनवेल गए थे हम लोग दोस्त के इधर, और हम दो दोस्त गए थे स्कूटी पर, ऐसा ऐसा करके हो गया। फिर वो आते वक्त पुलिस ने भी पकड़ा, ऐसा भी बोला हम लोगों ने, सब कुछ हो गया। उसके बाद फिर अंकल ने बोला कॉल लगाओ, तो पहले दोस्त को कॉल लगाना, तो उसने मेरे जैसा ही झूठ बोला था कि स्कूल ऐसा था। तो अंकल ने बोल दिया कुछ कूल वूल नहीं था इन लोग का, ये लोग पनवेल गए थे, आपका बेटा और दो जन पनवेल गए थे, उसका वहाँ होगा सुताई जो भी वो पता नहीं है। उसके बाद दूसरे दोस्त को कॉल लगाया, वो दूसरे दोस्त ने बोला कि नमन का बर्थडे था और पिज्जा हट में पार्टी दे रहा था। ये सुन के अजय अंकल मम्मी भी हंस पड़े कि क्या ही अब, मतलब ऐसा झूठ। फिर उसके बाद उसको भी सच बोल दिया कि ये लोग पनवेल गए थे, ऐसा कुछ नहीं है, कोई क्लास नहीं था, कुछ नहीं था, नमन का बर्थडे नहीं है ये वो, और हो गया। क्यूट था तुम्हारा। हम लोग तो गाइस, मैं और मेरे दो दोस्त, हम लोग निकलते थे तो बचपन से कपड़े पहनने का बहुत ज़्यादा शौक था, लेकिन जेब में पैसे नहीं रहते थे, तो हम लोग 2 से 3 हज़ार रुपये लेकर निकलते थे अलीगढ़ से। सुबह 6 बजे EMU चलती थी एक लोकल अलीगढ़ टू दिल्ली, जो लोग दिल्ली में जॉब करते हैं उनके लिए चलती है ट्रेन अलीगढ़ से। तो हम लोग सुबह, मैं घर से बोल के निकलता था कि मैं पहले जाऊँगा फुटबॉल खेलूँगा, वहाँ से क्लास करने जाऊँगा, क्लास के बाद मेरी कोचिंग होती थी, तो रात के 8 बजे बजट होता था अपने घर पर वापस आने का। तो 6 बजे हम लोग जाते थे, 9:30 बजे उतरते थे दिल्ली, फिर जाते थे पालिका बाज़ार, पालिका बाज़ार से करते थे शॉपिंग, और जो है 4,000 में हमारे पास कुछ 5-6 टी शर्ट आ जाती थी। वहीं पे फिर कनॉट प्लेस पे हम जाते थे, गर्मी रहती थी, थोड़ा आंखें सिक जाती थी, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है दिल्ली में। और फिर हम लोग वहीं पे कुछ एक जगह थी, मैं तो अब नाम भूल गया, वहाँ पे हम लोग जो है राजमा चावल खाते थे। और फिर 6 बजे दोबारा से जो है शिवाजी ब्रिज से जो है चलती थी ट्रेन EMU बैक टू अलीगढ़, 9 बजे हम पहुंचते थे। और उस दिन फिर घर जाके 9:30-10 बजे बोल देते थे आज थोड़ा सा लेट हो गया, तो थोड़ी सी गाली पड़ती थी, लेकिन ये 4-5 बार हम लोगों ने करा था। और एक दो बार बाइक की ट्रिप अलीगढ़ से देहरादून मारी है ये बोल के कि दिल्ली तक जा रहा हूँ, ये सब किया है। बाकी लोगों से भी पूछेंगे, यहाँ पे सिड भाई को तो घर से ही छूट मिली हुई थी, तो वो बिगड़े नहीं, मॉडल एज यूजुअल झूठ नहीं बोल पाया। क्यूट से फिर हम सच्चा ही रह गया, या तो सच्चा रह गया तो शांत रह गया, क्यूटनेस में ही रह गया, शांति रह गया। लेजेंडरी चीज इसको करानी पड़ेगी शादी वादी से पहले, कुछ तो लेजेंडरी करवाना होगा सिड भाई, कुछ इसके लिए बदमाशी करानी पड़ेगी हमें। ठीक है ना, आप एक्सपर्ट है। ठीक है ना, bye bro skis, bye. See you on the other side, see you on the other side, yeah. See you on the other side, namu, bye mutu. Yahan se sare second class I think participants ja rahe hain, aur first class ka hamara terminal 2 se hai. Dua karunga flight miss ho jaye, check in hi na ho.
सेकंड क्लास बोल दिया क्रिएटर। वाइपर बाबू सामने खड़े हुए हैं, एंट्री पर टिकट चेक करवा रहे हैं। थोड़ा सा मसला हो गया, हमारे भाई का 15 किलो का बैग होना चाहिए था, थोड़ा सा 20 kg का हो गया। तो भाई ने बोला इंडिगो वाले ने कि आपका और दूसरे वाले सर का जो है वो सेम PNR में है, तो उनके वेट में थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे तो वो हो जाएगा, तो आ जाएंगे तो वो टाइम पे। मैंने कहा सर बाहर खड़े हैं, उनका बहुत एक्सीलेंट उनका वेट कर लिया। तो वाइपर बाबू वो खड़े हैं, वो वाइपर बाबू आए भाई इसको गर्मी नहीं लगती यार, इसको गर्मी नहीं लगती भाई, इसके पोर्स जो है इसके कपड़े के हिसाब से बंद हो चुके हैं। वाइपर बाबू का गाइस ये छोटा सा क्यूट सा सूटकेस है, मेरा 20 इनका 28 सेट हो गया है। हम लोग 1.5 kg का क्लच मार दिया है। वैसे कितना होता है, 500 रुपये पर kg? 550 बच गए, क्लोज क्लच। सो दोस्तों बोर्डिंग अपनी हो चुकी है, हमारे साथ वाइपर भाई हैं। वाइपर भाई आपसे एक बहुत ही स्मॉल सा क्वेश्चन है, स्मॉल सा क्वेश्चन ये है कि आप गोवा जा रहे हैं बहुत बहुत टाइम बाद, क्या आप एक्साइटेड हैं? एक तरीके से मैं एक्साइटेड हूँ जी, कि यार इवेंट हो रहा है बीजेपी, क्या बात है, और अपने लोगों से भी मतलब एक तरीके से ट्रिप ही हो रहा है। तो मैं ये पूछ रहा था आपसे कि आपने अपनी लाइफ में कभी छुप के कोई ट्रिप मारी है घर वालों से, बंक मारा हो, ट्रिप मारी हो? बंक तो बहुत मारे, मैं तो बंक मार के नीचे की बिल्डिंग में क्रिकेट खेलता था, तो मेरे सारे दोस्त लोग चौंक जाते थे कि भाई घर से निकल रहा है नीचे उतर के, तो नीचे खेल रहा है, तेरे घर वाले उतरते नीचे, डर नहीं लगता ना, जिससे तेरी गलती देखी जाएगी। पापा भी नहीं जानते थे? पापा तो ऑफिस रहते थे ना उस टाइम पे। अच्छा, तो फाइनली गोवा की हवाएं हम लोग खाते हुए, एंड टू बी रियली ऑनेस्ट मुंबई का जो मौसम था वो बहुत ही लेवल पे अलग था, ये बहुत चिपचिपी और ये बहुत बेटर है, बहुत ही बेटर रहा है भाई। वहाँ पे बहुत ह्यूमिडिटी थी, आज सुबह जब हम लोग मुंबई से निकले थे उस पार वहाँ पे हमारे सारे चीते खड़े हुए हैं, और सिट भाई बीइंग वेरी ओबीडियंट उनका, हम पहले आके यहाँ पे खड़े हो जाते तो मैं उनके साथ यहाँ पे आके खड़ा हूँ। गोवा में क्या करने वाला है? आज ब्लू है पानी 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 और दिल भी सानी 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 सानी। सिट भाई के लिए स्पेशली क्योंकि सोल के मैनेजर है इसलिए इनको सैंडविच दिया गया है, और क्या है, संतरा मिला है, संतरा, यू लाइक इट? यस यस यस, संतरे का जूस दिया, तो संतरा क्यों दिया है? दोनों किसी को लिक्विड पसंद आता है किसी को सॉलिड। ये क्या होता है? संतरा। अच्छा, अगर मेरे को अलग कुछ मिला सिड भाई तो होटल में हमारा प्रवेश हो चुका है, एंड सीधे हमें लंच में ले आया गया है, इससे पहले कि हमें रूम थमाया जाता मैंने कहा ये भी ठीक है, एनर्जी थोड़ी सी डाउन सी थी। और ये मेरी प्लेट है, थोड़ी सी विचित्र सी लग रही होगी, येलो दाल ग्रीन में बदल गई है, तरीके से मेरी मम्मी खाती है, मतलब ये इसमें धनिया की चटनी मिक्स हो चुकी है, इस वजह से इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है, अब मतलब अब टेस्ट सेक्सी हो चुका होगा। या मैं इसका रोटी का वेट करूँगा, ये आप चखिएगा क्या मिला लिया तुमने? धनिया की चटनी ब्रो, धनिया मिर्ची की चटनी, ऐसा सूखा थोड़ी खाने का, मतलब चावल वावल में मिलाओ ना। चको ना, रोटी का वेट कर रहा हूँ बाबू। मैं तो अच्छा। तुमसे एक बहुत ही क्यूट सा सवाल है, पूछो ना। कभी ऐसा चोरी छुपे गए हो किसी ट्रिप पे? कभी? आज तक नहीं किया कभी। क्या बात कर रहा है, क्या किया तूने फिर स्कूल कॉलेज के टाइम पे? बंक मारता था, वो अलग है, वो ट्रिप थोड़ी होती है, बंक मारना तो बंक मारना होता है, चले गए अपना बीच बीच समंदर पे चले गए दोस्तों के साथ, मजे किए, पानी में नहाए वहाँ जूझो पार्टी पे, ये सब करते थे। खंडाला चले गए कभी? ऐसा वैसा? मैं कभी खंडाला नहीं गया। चलो फिर, खंडाला में क्या होता है? अच्छा है, बहुत प्यारी जगह है देखने में, बहुत खंडाला इज लाइक बजट लोनावला। बजट लोनावला? अच्छा, लोनावला इज लाइक बजट महाबलेश्वर। महाबलेश्वर भी नहीं गया कभी? महाबलेश्वर या माथेरान? तू माथेरान गए हो कभी? मैं माथेरान भी नहीं गया। माथेरान इज अ प्लेस, एग्जैक्टली, गो टू माथेरान ब्रदर। माथेरान अभी कोई बात नहीं करता, बट 10-12 इयर्स अगो माथेरान वाज लाइक द शिट। क्या बात है, इट्स अ वेरी गुड हिल स्टेशन, मस्त है, ऐसा ऊपर ऊपर जाने का हिल स्टेशन है, बहुत अच्छा है, चलते हैं कभी, बोलता हूँ तुझे, बीलिंग देता है। लेके नहीं जाते माथेरान? फिर क्या, आप किसके साथ जाते हैं? तो वो तो फिर मैं और ये तो जा ही नहीं पाएंगे, मैं और स्नैक्स कह रहे हैं, लड़कों को लेके माथेरान नहीं जाते। क्या है वो हिल स्टेशन है, बहुत प्यारा। तो हिल स्टेशन में हम लोग की ऑल आउट नहीं, सिर्फ लड़के लड़की नहीं जाते,
क्यों क्या हो फोटो लेंगे खींचेंगे दोस्ती यारी अलग होती है बकचोदी होगी क्या आपके दिमाग में सिर्फ वही सब होता है क्या गंदा गंदा अरे भाई मैंने लोकेशन के हिसाब से बोल रहा हूँ अभी मालदीव में क्या मैं और तुम जाएंगे और क्या उधर बिकिनी में क्या स्वॉर्ड फाइटिंग करेंगे हम लोग मैं टर्न ले सकता हूँ एक दिन आप एक दिन मैं ये ब्रदर लव है कवर तो देख क्या बनाया है पीछे कुत्ता इसको गर्मी लग रही है इसकी चेन खोलो अच्छा खुलती भी है क्या हाँ यार और क्या करेगा इसको चेन को खोल के हमेशा सब चीज खोल के कुछ करना ही नहीं होता है खोल के उसको छोड़ देना होता है जीशान आलम AKA मेजी बताएं सर कंट्रोवर्सीज नहीं चल रही आजकल आप गुड बॉय हो गए हैं सुनने में आया है बहुत ज्यादा क्यों मेरे से अच्छा गुड बॉय नंबर मिल रहा है ना नंबर मिल रहा है गुड बॉय हो गए गुड बॉय हो गए नंबर मिल रहा है दोनों तरफ से नंबर बराबर का खींच रहा अच्छा तो वैसा ठीक है इधर से भी तो कल आपने कल के मैच में आपने क्या करा क्या रणनीति थी आपकी हमारी रणनीति थी कि हम अपने बातों पे टिके रहेंगे आपकी बातें क्या थी आप किसको कल सपोर्ट कर रहे थे लाइक फाइनल में जा रही है ठीक है तो अभी भी हम टिके हैं और तो वैसे स्क्रिप्ट मैंने ही क्राफ्टन को दी थी ठीक है तो मैंने बताया उनको कि आप राउंड फोर में उनको क्वालिफाई ना कराइए ठीक है वाइल्ड कार्ड मिलाइए ठीक है और आखिरी मैच में क्वालिफाई कराइए ताकि 200 के हो जाए अच्छा और कल हो गई अच्छा कल अभी सेमीफाइनल वन में वो नहीं होंगे हाँ सेमीफाइनल टू में आएंगे ठीक है और आखिरी मैच से ग्रैंड फाइनल्स के तो हमें तो लग रहा था BGIS हो रहा है ये मेजी आईएस क्यों हो रहा है ये स्क्रिप्ट अच्छी है ना हाँ स्क्रिप्ट बढ़िया लिख रहे हो आप बिल्कुल आप बेवकूफ बना रहे हो इसमें दो तीन कैरेक्टर ऐड करना बाकी है सेमीफाइनल में ऐड करेंगे अच्छा और भी वाइल्ड कार्ड है क्या नहीं नहीं अच्छा वाइल्ड ही हो रहा है पूरा BGIS ये करेंगे हम 18 अपसेट है सो गाइस ये हमारा होने वाला है आशियाना कल मैंने एक लड़के के साथ डिसाइड किया था कि मैं रहूंगा उसके साथ और फिर आज आखिरी मौके पे उसने सारे षड्यंत्र रचे मेरे को धोखा देने के लिए सोलो जाने के लिए लेकिन मैंने होने नहीं दिया नहीं मिलता रेडिएटर से अकेले बात करने का तुम्हें हर रोज मिलता है गेमिंग हाउस आजकल जितना खाली बात करता हूं मैं सब जगह तो यहां पे करो ना वॉक नहीं करना बिस्तर पे लेट के भी कभी बात करूं ठीक है मैं बाहर तुम जैसी बात करोगे उनसे मैं चला जाऊंगा बाहर इतना तो कर ही सकता हूं यार प्राइवेसी इज इंपॉर्टेंट गाइस अब जो है ये 1-2 होने वाले हैं सिंगल से डबल होने वाले हैं तो अब बहुत सारी डिस्कशन होना है कि राशन हर महीने कैसे डिवाइड होगा कैसा क्या क्या आना होगा क्या काम मॉडल करेगा अब चार्जर भी यहाँ पे स्लो होगा ये क्या बात है मतलब बिजली यहाँ पे कम दे रहे हैं लोग ये 4 पे घूम रहे इससे तेज मैं घूमता हेलो चीतो सो 6 बज गया है शाम का और अभी मतलब मैं नैप ले लिया एक और इतने गहरी नींद में मैं सो गया था फिर मॉडल ने उठाया कि भाई ग्रुप में लिख रहे हैं कि जल्दी से आओ रेडी होना है तो अभी मैं डायरेक्टली तैयार होके तुम लोगों को दिखाता हूँ कि तुम्हारे मामा भाई ने चीते ने क्या शॉपिंग करी है डे 1 के लिए सो अभी मैं रेडी होता हूँ और फिर तुम लोगों के सामने आता हूँ इन 3-2-1 सो चीतो This is the outfit for day 1 evening के लिए तो हम लोग का हर रोज कुछ ना कुछ शूट है सो हर दिन के लिए कुछ ना कुछ शूट के लिए एक एक ड्रेस जो है मैं प्लान करके आया था हर कोई आया है मोस्टली शायद मुझे ऐसा लगता है जल्दी जल्दी हम गए ज़रफ के साथ गए थे लेकर फटाक से आ गए मस्त लग रहा है ना चीतो बताना मेरे को अभी चलते हैं बगी वहाँ वेट कर रही है अपना फटाक से उस पर बैठते हैं चलते हैं शूट निपटाते हैं और फिर रात में डिनर के बाद होगी जबरदस्त बैठक मिलते हैं अभी बाकी लोगों से रेगा और काशवी भी आ चुके हैं शायद उनसे नहीं मिले मवी से भी नहीं मिले उनसे मिलते हैं गाइस हमें मिस पंक्चुअल ने ज्वाइन कर लिया है इस ऐतिहासिक इवेंट पे एंड पीछे एक क्यूटी बैठा है मेरा क्या आगे बैठा है और मैं पीछे बैठा हूँ हाँ हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप प्रोटेक्ट कर सकते हो वैसे आप अबे शक है क्या अबे यूपी से हूँ मैं और बताएं आप इतना कैसे आप इतनी स्किलफुल है लेकिन ठीक है मतलब इसका कहने का तात्पर्य ये है कि इसकी गलती नहीं है पूरे दिन की थकान के बाद इतना सारा हमने काम किया है हार्ड वर्क वीडियो पे वीडियो शूट हुआ है उसके बाद ये खाना कितना अच्छा लग रहा है मतलब वी डिजर्व दिस फूड फ्रॉम टॉप टू बॉटम खा क्या रहे हो अरे वो पूछा मुझे पता था मुझे भी देख के नहीं समझ जाता और मुझे पता था कि तुझे भी नहीं समझेगा काशवी आपने कभी बंक मारा है आपने कभी घर वालों से झूठ बोल के कहीं और की ट्रिप मारी है अबे थोड़े बिगड़े हुए क्रिएटर लेना है हटो
यही तो बात है यार, मैं व्लॉग बना रहा हूँ। मैंने बहुत हरकतें करी। क्या किए? मैंने बहुत अनगिनत। एक तो बता दे, मैं नई बाइक लिया था। हाँ। एक बार दिल्ली बोल के चार दिन के लिए देहरादून गए। एक बार नहीं, 2000 कब की बात कर रहा हूँ मैं, 13-14 की बात कर रहा हूँ। तब पापा लोगों के पास नहीं था वैसे, तब तो। और फिर एक बार 10 दिन का बजट मार के हम ले गए थे। दिल्ली जा रहा हूँ दोस्त के घर बाइक से। मेरा नाम बताए ना क्या? बीजेएमआई में योर डैड बीजेएमआई का किंग क्वीन। क्या है बीजेएमआई का? राजा। आपको पता है नेम टेकन थी? फिर तुमने क्या करा? कॉल किया खाली करवा के नाम लिया। तो मतलब अभी मैं 3 दिन पहले अपनी स्ट्रीम पे एडमिट मांबा लिखना चाह रहा था, और मुझे जबरदस्ती एडमिट बांबू लिखना पड़ा, क्योंकि वो टेकन था। क्राफ्टन से कोई नाम टेकन है तो क्राफ्टन से कहो कि मेरे को चाहिए। उसका तो इंस्टा से भी है, उसका तो इंस्टा से भी है। इंस्टा वाला मेरे को बोल रहा था 2,50,000 रुपए लेगा मॉडल नाम देने के लिए। वो बंदा वो तो मॉडल बोल रहा होगा ना, जिसका मॉडल अकाउंट है। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, तू सिर्फ मॉडल रखना चाहता है? वो पहले रखना जब चाह रहा था ना मॉडल। हाँ, IG मॉडल तो सेकंड वो हुआ ऑप्शन। रेगा भाई, पिछली व्लॉग में मेरे को काफी शिकायतें मिली हैं। क्या लोग बोले आपने रेगा भाई को व्लॉग में नहीं लिया? वो तो पिछले में थे ही, रणवीर सिंह की। हाँ, रील वील सोच के आए जैसे मैंने बोला था। अगर रील वील कुछ सोची मैंने, अभी सिर्फ एक चीज है जो नींद है, जो 2 दिन से नींद। नींद जो 2 दिन से सो जाते दबा के और उठ के फिर सब कुछ करते हैं शूट। मैं तो कल वीडियो बना दूंगा, कल बिल्कुल एनर्जी में रहना। अरे फुल, जो शूट करना है तैयार सब कुछ फुल। हाँ, रूम के अंदर करेंगे, एसी के अंदर शूट वीडियो। कहीं आप ट्रिप पे चलना चाहेंगे मेरे साथ इस महीने? तो अगले महीने आपकी कार होगी। ठीक है, पेट्रोल मेरे पैसे का बहुत लेना बोल रहा है। क्या एवरेज देती है BMW? बहुत देती है भाई, कहाँ जाना है वो पता। बहुत कम देती है। पागल सा है क्या कुछ? मैं रहेगा तो ठीक ही रहता है। ठीक है, हम चलेंगे चंडीगढ़ होते हुए मनाली। ये तुम लोग का कुछ कोलैब है क्या? मनाली जाने के लिए चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ता क्या भाड़ू? अभी मैं गया था मनाली ट्रक के साथ, चंडीगढ़ पड़ा था बीच में। सो दोस्तों, दैट्स इट फॉर द व्लॉग। बहुत 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 ज़्यादा लेट हो गया, सुबह का 5 बज रहा है। ये बाबू मेरा तो आके सो गया था, इसको बहुत ही ज़बरदस्त नींद आ रही थी, बहुत थका हुआ था। थका हुआ तो मैं भी हूँ बहुत ही ज़्यादा, ये तो पूरा ख़त्म है, डेड है। मैं भी बहुत ही ज़्यादा डेड हो रखा हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा देर बैठना हम लोगों का हो गया था। मैं, थग, सिड भाई, रेगा और वाइपर, मवी, हम सब लोग बैठे हुए थे अभी तक। अभी सब लोग डिस्पर्स हुए हैं क्योंकि कल फिर से शायद अर्ली मॉर्निंग शूट वूट सब कुछ हो जाएगा। होपफुली कल हम लोग अपना सारा शूट निपटा लेंगे जो भी क्राफ्टन के साइड से है, ताकि हम लोग फिर परसों के दिन फ्री हो जाएं। तो अभी मैं जाऊंगा, जाके सो जाऊंगा। बहुत ही एपिक, बहुत ही मज़ेदार दिन था, तुम लोगों ने भी देखा होगा। एंड कल का दिन भी इसी तरीके से होगा। बहुत सारे रील मैंने सोच के रखे हैं, बहुत ज़बरदस्त रीलें आएंगी तुम लोगों के लिए। इंस्टाग्राम पे देखते रहना, और पूरा सपोर्ट, पूरा प्यार चाहिए रील पे, बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। ऐसा रील दूंगा जिसमें तुम लोग अपने दोस्तों के साथ पूरी ज़बरदस्त तरीके से रिलेट कर पाओगे, तो करते रहना, ठीक है? तो यस, कल के ब्लॉग में मिलेंगे। कल का ब्लॉग बहुत ही सेक्सी होने वाला है, बहुत ही मज़ा आएगा तुम लोगों को, देखते रहना। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। अंटिल देन, लव यू ऑल, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड बाय।